नमस्कार। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो अब आपके लिए भारत का कोई भी सामान मंगाना आसान हो जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई यात्रा के दौरान भारत का मेगा प्रोजेक्ट भारत मार्ट का इनॉग्रेशन किया। इस प्रोजेक्ट के साल 2025 में पूरा होने की उम्मीद है और अगले साल ही ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अब क्या है ये भारत मार्ट, इंडियन प्रोडक्ट्स को किस तरह से बेनिफिट कर सकता है और कैसे आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा कदम है, और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे चाइना के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और सक्सेसफुल ड्रैगन मार्ट को ये कम्पीट करेगा। आइए समझते हैं। भारत मार्ट एक तरह से बहुत बड़ी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होगी। अब कई लोगों के मन में वेयर हाउस से ख्याल आएगा कि ये गेहूं, चावल और अनाज रखने के लिए एक वेयर हाउस होगा, पर नहीं, ये एक बड़ा सा मार्ट होगा जहां बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इस मार्ट से लोगों को वो सारा सामान मिल जाएगा जो इंडिया यूएई को एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि चाइना के ड्रैगन मार्ट की तर्ज पर लाए गए भारत मार्ट में भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिल सकेगी, यानी एक सुई से लेकर एक बड़ी मशीन भी इस मार्ट से खरीदी जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ये मार्ट भारत के एमएसएमईज को गल्फ, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया में इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंच बनाने का एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा। अब ये तो था एक जायंट ऑफलाइन स्टोर। इसके अलावा सरकार भारत मार्ट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगी। अब इसका भी अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंस है। भारत मार्ट दुबई में खोला जाने वाला है, जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। दुबई से इजीली सामान ट्रांजिट हो सकता है, क्योंकि आए दिन दुबई की इस लोकेशन पर शिप्स आते जाते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी कोने में बैठकर भारतीय सामान मंगाना चाहता है, तो वो आसानी से भारत मार्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मंगवा सकेगा। बता दें कि भारत मार्ट चीन की वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ड्रैगन मार्ट को टक्कर देने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको बता दें कि चीन ने साल 2004 में ड्रैगन मार्ट को लॉन्च किया था। इसके साथ ही साल 2015 में भी इसका एक अपडेटेड वर्जन लाया गया था। चाइना की इस फैसिलिटी ने चाइना के एक्सपोर्टर्स को वर्ल्ड वाइड उनके सामान को आसानी से पहुंचाने में ना सिर्फ मदद की, बल्कि रिटेल और होलसेल ट्रेड इंडस्ट्री को इस वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ने रिवोल्यूशनाइज भी किया था। और अब भारत ने भी इस तरह के प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोनों ही देशों के लिए? दरअसल भारत और यूएई दोनों चाहते हैं कि उनके ट्रेड रिलेशंस आगे बढ़ें। इसको लेकर पिछले साल दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA को साइन किया था, जिसमें साल 2030 तक नॉन पेट्रोलियम ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया था, और भारत मार्ट इस टारगेट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस फैसिलिटी से ना सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड को भी ये मार्ट सपोर्ट करेगा। आपका क्या सोचना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।